again. Celestial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my YouTube family. कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। तो व्यूअर्स, आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, जिसका नाम है नमकीन गोश्त रोश। इसे आप नमकीन गोश्त भी कह सकते हैं, दम पुख्त भी कह सकते हैं। ये हमारे पिशावर की एक सौगात है, वहाँ की एक डिश है, लेकिन अब हमारे पंजाब में भी ये बहुत पसंद की जाती है। तो व्यूअर्स, इसके इंग्रेडिएंट्स में हमें चाहिए 1 kg गोश्त है, इसके अलावा हमें चाहिए 1 अदद आलू है, ये टोमेटो है, ऑनियन है, ग्रीन चिली है, जिंजर गार्लिक पेस्ट है, सॉल्ट है और लेमन जूस है। तो ये तो थे इसके इंग्रेडिएंट्स। रेसिपी पे जाने से पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आए व्यूअर्स, चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो व्यूअर्स, नमकीन गोश्त रोश के लिए सबसे पहले हम गोश्त को मैरिनेट करेंगे। ये 1 kg से ज़्यादा गोश्त है, इसको मैंने अच्छी तरह से साफ़ करवा लिया था, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा इसके साथ है, क्योंकि यही इसका रोश बनता है। तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ये लेमन जूस, ये 2 से 3 टेबलस्पून लेमन जूस है। फिर मैं इसे मैं ऐड करूँगी सॉल्ट, इसे जो है हमने मैरिनेट करना है, तकरीबन हम इसे 1/2 आवर मैरिनेट करेंगे। और ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है, इसे आप अच्छी तरह से इसका पेस्ट बना लें और इस पे इसे अच्छी तरह से लगा के इसे ऊपर नीचे करके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दें और इसे 1/2 आवर के लिए रख दें। तो नेक्स्ट फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट आपने स्टेप पे अब क्या करना है। जी तो व्यूअर्स, ये 1/2 आवर हो गया, इसको हमने मैरिनेट किया था। नमकीन गोश्त रोश आज हम बना रहे हैं, तो आफ्टर मैरिनेशन इसकी ये इस तरह से इसकी एक कंडीशन आ गई है। अब ये जो वेजिटेबल्स हैं इसको हम कटिंग कर लेंगे। ये देखें, ये इसके हम 2 पीस कर लेंगे। इसी तरह टमाटो जो है इसको भी हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ये देखें इस तरह से, ये जो है पोटैटो इसके भी हम 4 पीस कर लेंगे। इसका हमने छिलका नहीं उतारना, ये इस तरह से ही ये जाएगा। इस तरह से इसकी कटिंग कर लें। ये देखें, ये वेजिटेबल्स की मैं कटिंग कर लूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हमने इसको पैन वगैरह में रखना है। जी तो व्यूअर्स, ये सबसे पहले हम ये जो पोटैटो हैं इनको इस तरह से रखेंगे। ये आपने इस तरह से इसमें ऐड कर देने, ये आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसमें ऐड करना है ये ऑनियन, ये आप ऐड कर देंगे। फिर आपने ऐड करना है ये टमाटो, ये भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैं जो आपको क्वांटिटी बता रही हूँ ये 1 kg की क्वांटिटी है, जिसमें मैंने 1 अदद प्याज लिया है, 2 जो हैं वो आलू लिए हैं और 3 से 4 जो हैं वो टमाटो लिए हैं। फिर इसके अंदर फिर मैं ऐड कर दूँगी ये ग्रीन चिली, ठीक है। उसके बाद मैं आप इसमें ऐड करूँगी गोश्त, जो मेन इसका है इंग्रेडिएंट, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इस तरह से आप इसमें गोश्त रखेंगे। जितना भी है आपने सारा उसमें ऐड कर देना है और जो इसका मैरिनेशन के टाइम ये जो पानी था ये ऊपर से आपने ये इसमें ऐड कर देना है। और अब इसमें मैं रखूंगी, फ्लेम ऑन करूंगी
और फिर मैं नेक्स्ट स्टेप आपको बताती हूँ। जी तो व्यूअर्स, ये फ्लेम मैंने ऑन कर दी है और अभी जो है इसका फ्लेम जो है वो हाई है। इसे एक जो है वो स्टीम आएगी तो मैं इसका जो फ्लेम है वो स्लो कर दूंगी और 1 से 1.5 घंटा लगेगा इसे कुक होने में। अभी जो है ये थोड़ा सा इसे, जैसे ही इसे में स्टीम आएगी तो मैं इसमें ऑयल ऐड करूंगी। अभी जो है मैं इसको इसके ऊपर कोई प्लेट वगैरह कोई लीड नहीं दूंगी, इसका मैं वेट करूंगी इसे पकने का। तो फिर बाद में मैंने इसे 1 से 1.5 घंटा पकाना है मीडियम हीट पे। जी तो व्यूअर्स, ये देखिए ये कुक होना शुरू हो गया। इस टाइम पे मैं इसमें ऑयल ऐड कर दूंगी, 2 से 3 टेबलस्पून आप ऑयल के ऐड कर दें और इसे जो है मैंने मीडियम फ्लेम पे पकाना है 1 से 1.5 घंटा। इसमें मैंने पानी जो है वो जो लहसुन अदरक का था वो ऐड कर दिया था और कुदरती तौर पे गोश्त में पानी होता है, जब हम इसे मीडियम फ्लेम पे पकाते हैं तो गोश्त अपना पानी भी छोड़ता है। तो इस पे मैं लिड वो दूंगी जिसमें से इसकी हीट वगैरह ना निकले, इसे मैं बिल्कुल बंद कर दूंगी। इसकी जो हीट निकलती है उसे मैं बंद कर दूंगी। अगर आपने भी इस तरह के सॉस पैन में पकाना है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप कुकर वगैरह में भी पका सकते हैं और वो आटे का वो एक होता है वो लगा के यू साइडों पे, तो आप इसे कवर कर देंगे बिल्कुल कि इसके अंदर से हीट बिल्कुल ना निकले, क्योंकि इसने अपनी ही हीट में कुक होना है। तो इसे मैं अब कुक होने के लिए छोड़ दूंगी 1 से 1.5 घंटा, तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। जी तो व्यूअर्स, ये 1.5 आवर गुजर चुका है तो अब हम इसकी इसको देखते हैं। ये देखें, ये अपनी ही स्टीम में पका है और ये इस तरह का ये बर्तन था कि इसकी स्टीम कहीं से बाहर नहीं निकली। अब मैं इस टाइम पे किंग ऑफ स्पाइसेस ब्लैक पेपर ऐड कर दूंगी अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट और इसे कर दूंगी अच्छी तरह से मिक्स। ये देखें, ये जो है ये ग्रेवी भी थिक हो चुकी है। अगर आपने, ये आपकी अपनी मर्जी है, अगर आपने इसे और थिक करना है, ये ऐसे ही होता है। ये इसमें आलू प्याज टमाटर ये इसका इसी तरह से इसका ये इसकी तैयारी होती है। ये देखें, तो अगर आपने इसे ज़्यादा ड्राई करना है तो ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। वैसे इसका जो असल है टेस्ट वो इसी शोरबे के साथ ही है। तो इसे मैं 5 मिनट्स रखूंगी दम पे, तो फिर मैं नेक्स्ट इसकी लुक आपको दिखाती हूँ। जी तो व्यूअर्स, ये तो थी आज की रेसिपी नमकीन गोश्त रोश। तो उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। ये थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर ग्रीन चिली हरा धनिया जिंजर जो है वो गार्निश की है, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह पाक आपको खुश रखे आबाद रखे। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ बहुत ही जल्द। अपनी शेफ मेमुना को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।